तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक स्टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाना जी के बारे में। क्या कहा आपने, किसके नाना जी? जी हाँ, हमारे या आपके नाना जी के बारे नहीं, हम सबके नाना जी के बारे में बात करेंगे। वो हैं प्रभात चित्रकथा के कैरेक्टर नाना जी। जी हाँ, वैसे ही नाना जी जैसे कि दादाजी, चाचा जी, मामा जी, ऐसे कई कैरेक्टर हमारे कॉमिक जगत में बन के हैं, वैसे ही एक कैरेक्टर है नाना जी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नाना जी का फर्स्ट अपेयरेंस हुआ इशू नंबर 2 नाना जी और जादूगर हसन कॉमिक्स में। इस कॉमिक्स में कहानी लिखी थी योगेश मित्तल जी ने और चित्र बनाया था आकार स्टूडियो द्वारा, जिसके कलाकार थे मनजीत और हरविंदर सिंह। इस कॉमिक्स में नाना जी की स्टोरी बचपन से बताई गई थी। नाना जी का असल नाम रामप्रसाद था। बचपन में उन्हें रामू कहकर बुलाया जाता था। एक बार एक बदमाश के द्वारा रामू का अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन रामू ने अपने तेज दिमाग के द्वारा उसे सबक सिखा दिया। इस घटना के बाद रामू समझ गया कि दुनिया इस तरह की मुसीबतों से भरी पड़ी है, इसलिए इनसे निपटने के लिए उसने अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करने की ठानी। वह कुश्ती से लेकर जूडो कराटे सब में निपुण होता गया। वह बड़ा हुआ तो उसने सीधा अब रामप्रसाद उसे कहा गया। ऐसे ही एक बार वह जिम से वापस लौटकर आ रहा था, तब उसे रास्ते में सेठ ननकोमल मिलते हैं, जो कि अपनी बट्टी नलिनी की किडनैपिंग के बारे में उन्हें बताते हैं। रामप्रसाद नलिनी को बचाते हैं, जिससे बहादुरी से खुश होकर सेठ ननकोमल अपनी बेटी नलिनी की शादी रामप्रसाद जी से कर देते हैं। समय बीतता जाता है, अब रामप्रसाद नाना जी के नाम से जाने जाते हैं। अपराधियों के कट्टर दुश्मन नाना जी ने समाज से बदमाशी समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। नाना जी हर एक शहर और गांव में जाते रहते थे। जिस भी शहर और गांव में वह जाते, वहां के गुंडे बदमाश भागते हुए नजर आते। नाना जी की स्टोरी में उनके साथ नानी जी, मुबोला पोता मिट्टू, पालतू कुत्ता टाइगर के साथ ही अफ्रीका का जादूगर हसन, हसन का सेवक जिन कालिया और कालिया की पत्नी जिनी भी अक्सर दिखाई देते थे। आपने ध्यान ही दिया होगा कि नाना जी का ये किरदार चाचा चौधरी से हाईली इंस्पायर्ड था। इस बात को सही ठहराने के लिए हमारे पास बहुत से पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, चाचा जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और यहाँ नाना जी का दिमाग धड़कन से भी तेज कार्य करता है। नाना जी की पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक चाचा चौधरी से मिलता जुलती है। चाचा चौधरी की धर्मपत्नी का नाम बीनी है और यहाँ पर नाना जी की धर्मपत्नी का नाम नलिनी बताया गया है। बीनी चाची को भी चाचा जी ने बड़ी मुश्किलों से बदमाशों से बचाया और नलिनी चाची को भी ठीक ऐसे ही नाना जी ने बचाया। जैसे चाचा चौधरी के पास साबू है, वैसे ही नाना जी के पास भी जादूगर हसन का एक जिन कालिया है। चाचा चौधरी के पालतू कुत्ते रॉकेट की ही तरह नाना जी के पास भी एक पालतू कुत्ता टाइगर है। इस तरह और भी कई कहानियाँ और समानताएँ काफ़ी मिलती जुलती हैं चाचा चौधरी से। कुल मिलाकर चाचा चौधरी की लोकप्रियता को ध्यान में रखकर इस किरदार को क्रिएट किया गया था और लगभग 71 कॉमिक्स इसकी प्रकाशित भी हुई थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप लाइक करने के साथ ही कमेंट भी छोटा सा ज़रूर करें, ताकि हमें और भी ज़्यादा वीडियो को बेहतर करने में मदद मिले, और साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि हमारी मेहनत और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम ऐसे ही कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर एक्टिव हैं तो हमें भी फॉलो कर लें, हम वहाँ पर ऐसे फैक्ट भी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।